सर ये हम काकोरी कबाब बना रहे हैं। काकोरी कबाब जो होता है ये सिमिलर जैसे सीख कबाब होता है सेम है, बट इसका प्रोसीजर है बहुत ही अलग है बनाने का। ये लैम मिंस और फैट यूज होता है इसमें, इसके लैम और फैट के क्वांटिटी होते हैं, वो क्वांटिटी में बराबर डाल के लैम को बहुत अच्छी तरह ड्राई करना पड़ता है, उसको सुखा के फिर टेंट इसको मिंस लैम का मिंस बनाना है। फिर उसके बाद इसको बनाने के लिए स्पाइसेस अलग अलग पाउडर करना पड़ता है, जैसे सिनेमन पाउडर हो गया, बड़ी इलायची की पाउडर हो गई और छोटी इलायची की पाउडर हो गए, और आपका कबाब चीनी के पाउडर हो गए। ये सारे पाउडर अलग अलग से बना के फिर ब्राउन ऑनियन पेस्ट और गार्लिक का जो होल गार्लिक होता है फ्रेश गार्लिक को फ्राई करके उसका पेस्ट बना के अलग से रखते हैं। फिर चिरौंजी की पेस्ट बनाते हैं और खसखस का पेस्ट बनाते हैं। ये मिंस बनाने के बाद इसको अलग से रख दिया 10 से 12 बार मिंस बना के, फिर इसको पेस्ट को जो है अलग एक पैन लेके सारे जो मसाले का मैरिनेशन करते हैं, और ये सिगड़ी के ऊपर काकोरी को बनाना है। ये खाने के लिए बहुत ही सॉफ्ट है, इसको खाने के लिए बहुत ही सॉफ्ट होगा। ये बनने के बाद इसको जब आप खाओगे एकदम बहुत ही मुलायम रहता है और इसका फ्लेवर अलग रहेगा। बनाने का तरीका सिमिलर है इसका और गलौटी का, बट जब आप खाओगे इसका टेस्ट बिल्कुल अलग रहेगा, आपको लगेगा नहीं कि ये काकोरी का। गलौटी जो है इसको स्मोक देते हैं हम, लौंग का जो है स्मोक देते हैं, जब आप खाओगे उसका लौंग का फ्लेवर आएगा। इसमें लौंग का स्मोक नहीं है और ये अलग तरीके से डायरेक्ट फ्लेम से बनता है, जैसे आग के ऊपर बनता है वो तवे के ऊपर बनता है। जैसे ये आग के ऊपर बनता है इससे तो अभी फैट जो मेल्ट होके जब आग पे गिरेगा तो इसका क्या होगा, वो फ्लेवर जो आएगा वो सारे काकोरी के अंदर आएगा। तो जब आप खाओगे उसका स्मोकी फ्लेवर अलग से आएगा चारकोल का।